वेलकम फ्रेंड्स इनटू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि एलईडी स्मार्ट टीवी में जियो टीवी कैसे इंस्टॉल करता है, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट टीवी है जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है मगर उसमें प्ले स्टोर नहीं है। तो प्ले स्टोर नहीं होने के वजह से हम लोग जियो टीवी ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर पाते, और जो टीवी है उसके खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये केविन टीवी है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्टॉइड। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एप्टॉइड टीवी है, ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि एप्टॉप टीवी ऐप स्टोर। तो ये एप्टॉप टीवी, इसके अंदर अगर आप लोग प्ले स्टोर इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल नहीं होता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करने में। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा जियो टीवी इंस्टॉल करने के लिए, आप लोग को सीधा इंटरनेट ब्राउज़र पर जाना है जैसे देखिए ये वेब ब्राउज़र है, ऐसे सब टीवी में कुछ ना कुछ वेब ब्राउज़र होगा। सिंपल से ये वेब ब्राउज़र आपको क्लिक करना है और सीधा ये वेब ब्राउज़र पर जाना है। और वेब ब्राउज़र जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल लिखना है। तो वंस यू टाइप गूगल देन गूगल पेज विल ओपन, एंड आफ्टर दैट ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा जियो टीवी ओल्ड वर्सन 4.0.71 डाउनलोड। मैं पहले से ये स्टेप हो गया, इसीलिए मेरे को टाइप नहीं करना पड़ा, मगर आपको ये वाला पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा। और वंस यू टाइप अ पेज विल ओपन वेयर वेरियस लिंक विल बी प्रोवाइडेड बाय गूगल। क्लियर, जो पहला वाला लिंक है वो सिंपल सी आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सीधा यहाँ से ये डाउनलोड वाला सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है, ये जियो टीवी एपी के वर्सन है 4.0.71। तो आपको सिंपल सी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपको डाउनलोड करने के बाद ये मैसेज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं पहले से ही डाउनलोड किया है ये सॉफ्टवेयर, इसीलिए ये मैसेज दिखा रहा है। तो आपको डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपल सी होम बटन दबाकर, रिमोट में होम बटन दबाकर यहाँ पर आना है, और आपको यूएसबी मीडिया में आना है। क्लियर, यूएसबी मीडिया के आपको डाउनलोड में जाना है, और वेयर यू कैन फाइंड द जियो टीवी ऐप्स। ठीक है, ये जियो टीवी ऐप्स आने के बाद आपको सिंपल सी डबल क्लिक करके ये कंटिन्यू करके जियो टीवी इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर, सो जियो टीवी इंस्टॉल करने के बाद आपको सीधा होम बटन टिपकर सीधा होम पे चला जाना है। होम पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको ऑल ऐप्स में जाना है, और ऑप्स होने पर जियो ऐप एप्टॉइड स्टोर पे जाना है। एप्टॉइड स्टोर पे जाने के बाद आपको माई ऐप्स क्लिक करना है। ठीक है, बेटर है आप अगर आपको रिमोट से कंट्रोल करें, यहाँ पर आपको इंस्टॉल ऐप मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल ऐप के अंदर आपको जियो टीवी मिल जाएगा। ठीक है, ये आएगा जियो टीवी, आप देख सको इंस्टॉल ऐप रिसेंटली यूज्ड ऐप, ये जियो टीवी आ जाएगा। इंस्टॉल ऐप में आ गया जियो टीवी, और जियो टीवी आने के बाद आपको सिंपल सी ये जियो टीवी क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपल सी जियो टीवी ओपन हो गया है, मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ओपन होने के बाद अगर हम कुछ चैनल पे जाए तो वो चैनल फुल स्क्रीन नहीं होता है। तो हम लोग वो भी प्रॉब्लम ओवरकम कर लेंगे धीरे धीरे। तो क्या है, ये आने के बाद आपको कुछ भी नहीं क्लिक करना है, सिंपल से ये रिमोट यूज़ करके सिंपल से आपको नीचे ना आना है। और अगर नीचे आना है, और अगर आपको यहाँ से इस सर्च बटन से अगर कोई चैनल रखे जी टीवी, सोनी टीवी, अगर कुछ भी चैनल आप सीधे टाइप करके पा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे सोनी 10.2, तो अगर ये चैनल देखेंगे तो कोई भी चैनल आप लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ भी चैनल अगर ओपन करें तो क्या होता है कि इसमें फुल स्क्रीन नहीं होता है। तो देखते हैं ये चैनल अगर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद आपने यहाँ एक एडवर्टीजमेंट आता है, हम लोग कुछ नहीं करना है उसमें, ऐड खत्म होकर ही सीधा चैनल आ जाएगा, धीरे धीरे चैनल आ जाएगा। चैनल आ गया, ये है सोनी मैक्स HD। और अगर हम इसमें अगर फुल स्क्रीन करना चाहे तो ये फुल स्क्रीन नहीं होता है, देखिए फुल स्क्रीन नहीं होता है। तो इसको फुल स्क्रीन करने का तरीका है कि सिंपल से ये रिमोट के बटन से
आपको सीधे वाईफाई वाले सिग्नल पे दबाना है, और वाईफाई सिग्नल दबाने के बाद ये जो मेन स्क्रीन है ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगा, और वंस इट मिनिमाइज आपको रिमोट बटन यूज़ करके ये बैक बटन एक बार दबाना है, एक बार। तो एक बार हम लोग बैक बटन दबाए तो सीधा मेन स्क्रीन पे चला आ गया। आपको सीधे एप्टर टीवी में आना है, और एप्टर आने के बाद यहाँ पर पहले तरह जो इंस्टॉल ऐप है उसमें आपको आना पड़ेगा, माई ऐप्स, यहाँ पर जो जो इंस्टॉल ऐप है इंस्टॉल ऐप्स, और इसमें आकर आपको ये जियो टीवी एक बार दबा देना है। जियो टीवी दबाने के बाद आप देखेंगे कि सीधा फुल स्क्रीन हो गया है। दिस इज द प्रोसीड्योर हाउ कैन यू इंस्टॉल जियो टीवी ऐप इनटू केविन्स एलईडी स्मार्ट टीवी और एनी ऑप्टोइड ऑपरेटेड एलईडी स्मार्ट टीवी, एंड उसमें जियो टीवी फुल स्क्रीन है। तो ये धीरे धीरे आ जाएगा क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों आ गया चैनल। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल ज़रूर करना। थैंक यू।